आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिहार इन्फो YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे DK कॉलेज डुमराओं का, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जुड़ा कॉलेज है। तो बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे कि DK कॉलेज का हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि DK कॉलेज का आप घर बैठे पेमेंट कैसे करेंगे। तो गूगल पर सर्च करना है DK कॉलेज डुमराओं, पूरा ये आपको लिखना है DK कॉलेज डुमराओं, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आपको क्या करना है कि नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन, तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पे कर देना है क्लिक। स्टूडेंट लॉगिन पर हम कर दिए हैं क्लिक। DK कॉलेज डुमराओं का ये पोर्टल लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करना है, जो कि आपके पास होगा। यदि नहीं है तो आपको यहाँ से फॉरगेट कर लेना है। पार्ट वन में नामांकन लिए होंगे, पार्ट टू में नामांकन लिए होंगे, तो आपके पास ज़रूर है। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एडमिशन ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन एडमिशन कराने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन के सामने, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपको पार्ट टू में नामांकन लेना है या पार्ट थ्री में, ये आप पर डिपेंड करता है कि किस में नामांकन लेना है। आपका सेशन 21 है, 22 है, 23 है, जो भी हो, तो पार्ट टू में नामांकन आपको लेना है, तो पार्ट टू पे करेंगे क्लिक। इसके बाद पार्ट थ्री पर करेंगे क्लिक, जिसका भी जैसा नामांकन लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पार्ट वन टू पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोग्राम नाम, कोर्स नाम और एकेडमिक सेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम नाम मतलब आएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। BA, BSc, BCom, पार्ट वन टू, ये इसमें आपको आएगा। इसके बाद कोर्स नाम में BA ज्योग्राफी, BA हिस्ट्री, BA साइकोलॉजी, ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद एकेडमिक ईयर जो होगा 21-22 जो भी आपका ईयर है, आपको यहाँ पे डालना है। बॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके आगे हम बढ़ते हैं। तो आप जैसे ही आएँगे तो आपके सामने पिता का व्यवसाय, मदर का व्यवसाय, फैमिली इनकम, मदर मोबाइल नंबर, अभिभावक का संबंध, गार्जियन नेम, बैंक नाम और बैंक का अकाउंट नंबर, ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद IFSC कोड, बैंक का ब्रांच का नाम, एड्रेस अपना डालना है, पोस्ट डालना है, थाना, राज्य, कंट्री, पिन कोड, जिला, ये आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है कि आगे नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ये तमाम जो जानकारी है आप फिलअप कर लेंगे। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। जब आप तमाम जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण पे सेलेक्ट करेंगे तो पार्ट वन आप सेलेक्ट करेंगे, पार्ट टू में यदि नामांकन ले रहे हैं तो, पार्ट थ्री में नामांकन ले रहे हैं तो पार्ट टू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कब पास किए हैं आपके मार्कशीट पर होगा, साथ ही विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर है ही, आपका ऑनर्स में कितना आया है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर ऑनर्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि 200 फिलअप करना है, ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट सेलेक्ट करना है, पास है, फेल है, वन क्लास है, सेकंड क्लास है, ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद क्लास का रोल नंबर यहाँ पे डालकर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो यूनिवर्सिटी का है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है, तो रजिस्ट्रेशन 2021 में नामांकन है तो 21 डालेंगे, वहाँ पर ईयर होगा आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तमाम जानकारी के साथ आप नेक्स्ट किए तो आपके सामने ऑनर्स विषय आपका प्रदर्शित है। इसके बाद सब्सिडी वन और टू आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अनिवार्य विषय ऑटोमेटिक इसमें है ही, अनिवार्य विषय में भी आप जो सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन कार्ड पे उसी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे का जो स्टेप रहेगा पेमेंट का रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपको अपने पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पर आप जैसे ही आए हैं तो आपके सामने तमाम जानकारी है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट कर देना है, ये कार्ड से, UPI से, स्कैन से ये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नामांकन का अपडेट है, ये आपके सामने दिख रहा है। बाद में कोई पेमेंट कर भी देते हैं तो इसमें अपडेट आकर यहाँ से कर सकते हैं। रिसिप्ट आप यहां से निकाल सकते हैं, तो रिसिप्ट पे हम यहां पे करेंगे क्लिक। आपका रिसिप्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है कि प्रिंट निकाल कर तमाम डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा कर देना है। ऐसे ही प्रिंट आपको देखने को मिलेगा और इसका प्रिंट आपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो ये DK कॉलेज का प्रोसेस है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।